हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले और आलू की सूखी सब्ज़ी। तो फ्रेंड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसे स्टार्ट करूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड, चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो ये मैंने इसे काट के छील लिया है केले को, और पानी भिगो दिया है। धनिया, हल्दी, मिर्ची और गर्म मसाला, नमक, इतने मसालों से मैं इसे बनाऊंगी। तो फ्रेंड, ये मेरा ऑयल, जरा सी ऑयल मैंने यूज किया है इसमें, और इसमें मैं तड़के के लिए लहसुन का प्रयोग करूंगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन डाल देती हूँ और इसमें जीरा और सरसों डाल दूँगी। फ्रेंड, जीरा और सरसों का जब तड़का लग जाए अच्छे से, तब इसमें हम सब्जियों को धो लिए हैं मैंने, उसे ट्राई कर इसमें डालूंगी। तो मेरे तड़का रेडी है, मैं इसमें सब्जियों को डाल दी हूँ और इसे अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर इसमें ये सारे मसाले मैं यूज़ करूँगी। तो इन सारे मसालों को इसमें एक एक करके डाल दूँगी। सभी मसालों को आप बारी बारी से डाल दीजिए फ्रेंड, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। नमक को थोड़ी देर में डालूंगी मैं इसमें। इसे अच्छे से चला देना है। ऐसे पकने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी का यूज करूंगी। इसे पहले तो अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से पक जाए, और जब ये अच्छे से हो जाएंगे उसके बाद इसमें थोड़े से पानी डाल के हमें इसे थोड़े से पकाने पड़ेंगे, क्योंकि आलू भी बड़े कटे हुए हैं और क्या कहते हैं केले भी हैं। तो ये खाने में बड़े अच्छे लगते हैं फ्रेंड। और इसमें मैं टमाटर कट के 3 टमाटर का यूज किए हूँ, तो ये 3 टमाटर मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी। थोड़ी सी पानी यूज करना पड़ेगा मुझे ताकि मेरे जो बड़े बड़े आलू हैं वो पक जाएं। अब इसमें मैं थोड़ी सी पानी यूज कर दूंगी फ्रेंड, क्योंकि अगर पानी यूज नहीं करूंगी तो मेरे आलू थोड़े से पक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कम तेल का यूज किया है। और तो इसमें थोड़ी सी पानी यूज कर देती हूँ और इसे मिक्स करके ढक दूंगी, और फिर ये 10 मिनट के लिए पकेगा। 10 मिनट में ये पक जाता है फ्रेंड, आप इसे ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसे मैंने ढक दिया है और फिर इसे पकने दूंगी 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड, ये पक ही चुका है, देखिए। अब इसमें मैं धनिया पत्ती डाल के अच्छे से सर्व कर दूंगी। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ, चावल दाल के साथ अच्छे से खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों, ये मेरी आज की रेसिपी है केले और आलू की सूखी सब्जी। तो फ्रेंड, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।